रखेंगे, दूसरे प्रभारी माननीय सीपी सिंह साहब भी बात रखेंगे, हमारे इंजीनियर वीरपाल जी प्रभारी जी वो भी अपनी बात रखेंगे, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी तो संचालन ही कर रहे कार्यक्रम का, तो वो बीच बीच में तो अपनी बात कह रहे हैं। साथियों, मैं एक बात आपके बीच में जरूर कहना चाहूंगा कि हम सब लोग जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं, कार्यकर्ता या लोग बैठे हैं, और आदरणीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और 2019 लोकसभा के चुनाव बहुत कम समय रह गया है, और 2019 के अंदर इस दिल्ली के अंदर जो लोकसभा की सीटें जीता करके बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, और दिल्ली के अंदर जो लाल किला है उसके प्राचीर से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन प्रधानमंत्री की तरह से प्राचीर से भाषण करेगी, ऐसा हम लोगों की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। और ये काम उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो कर दिया है, सपा और बसपा का गठबंधन हो चुका है। अभी हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लोग कह रहे थे कि हाथी का बटन दबाना है, तो साथियों हाथी का बटन दबाना है और दबाना भी है, ये काम भी करना पड़ेगा, लोगों को समझा करके ये काम करना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा न बात करते हुए अंत में मैं आपके सामने दो लाइनें कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय हमारे भी काफी हो चुका है, आप भी काफी दूर दूर से आए हैं, दोबारा भी आपको जाना है, इसलिए बहन जी के इस जन्मदिन के अवसर पर दो लाइनें कहते हुए कि बहन जी का जन्मदिन मना रहा संसार, बहन जी का जन्मदिन मना रहा संसार, खुशी का माहौल है, हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार, शुभकामना हमारी दिल्ली के तख्त और ताज पर ताजपोशी हो तुम्हारी, यही हम सबकी शुभकामना हमारी, जय भी जय भारत।